ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कैश और क्रेडिट सेल्स के लिए अलग अलग वाउचर और अकाउंट क्रिएट करना। जब भी हम कोई माल बेचते हैं और उसका जब हम बिल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस पर इनवॉइस लिखा हुआ आता है। जब भी किसी बिल का प्रिंट आउट लेते हैं, चाहे वो बिल नगद बेचे हुए माल का हो या फिर उधार बेचे हुए माल का हो, दोनों ही केसेस में उसमें बाय डिफॉल्ट ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ आता है। हम एक बार इसको देख भी लेते हैं। ये हम डिस्प्ले पर गए और यहाँ से हम गए डे बुक पर। डे बुक में देखिए हमने ये एंट्रीज देखी। ये दो एंट्रीज हैं सेल्स की। एक तो ये रमेश ट्रेडर्स को माल बेचा, ये उधार की एंट्री है, और दूसरी जो है वो कैश में माल बेचा उसकी एंट्री है। अब हम ये एंट्री देख लेते हैं। हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो ये हम प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ इसको यस कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ है। ये उधार जो हमने माल बेचा था उसका बिल है, ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं और अब जो दूसरा नगद वाली जो एंट्री है इसका बिल देखते हैं। वापस हम प्रिंट पे जाएंगे, प्रीव्यू के लिए यस करेंगे, इसको जूम करके हम देखते हैं। ये हमने नगद माल बेचा था उसका बिल है और इस पर भी देखिए ये ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है। पर अगर अब हम चाहते हैं कि जो हमारे कैश में जो माल बेचा है उसके बिल हैं, उसके ऊपर कैश मेमो लिखा हुआ आए, और जो माल हम उधार बेच रहे हैं उसके बिल के ऊपर क्रेडिट मेमो लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमको दो नए वाउचर्स बनाना होंगे, अर्थात क्रिएट करना होंगे। वो कैसे बनेंगे ये अब हम देखते हैं। पहले यहाँ से हम स्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। अब ये दो जो अलग अलग वाउचर्स हमको बनाने हैं, इसके लिए हम ये पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। यहाँ से हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पर और क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम दो नए वाउचर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पहले हम वाउचर बना रहे हैं क्रेडिट सेल्स का, तो नेम में हम डाल देंगे क्रेडिट सेल्स। अब आगे हम आएंगे, अब यहाँ पर हमको टाइप ऑफ वाउचर चुनना है। चूंकि हम सेल को दो भागों में बांट रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में से हम चुनेंगे सेल्स। अब यहाँ एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे। अब ये प्रिंटिंग पर जब हम आए तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल, ये जो ऑप्शन है इसमें हम मतलब जब भी हमारा बिल प्रिंट हो तो उसके ऊपर क्या टाइटल आए बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमको देखना है, तो वो हम देंगे क्रेडिट मेमो। ये हमने क्रेडिट मेमो दे दिया और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे दूसरा वाउचर कैश सेल्स का, ये भी सेल्स के अंदर बनेगा। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। अब ये प्रिंटिंग वाला जो कॉलम है, प्रिंटिंग वाले कॉलम में अब डिफॉल्ट प्रिंट टाइटल में हम लेंगे कैश मेमो। एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस तरह से हमने सेल्स वाउचर को दो भागों में बांटा है उसी तरह से हम अन्य वाउचर्स को भी दो भागों में बांट सकते हैं। परचेज वाउचर के भी दो हिस्से हम उसी तरह से कर सकते हैं। ये तो हमने क्रिएट कर लिए हैं दोनों वाउचर्स। अब इनमें एंट्री किस तरह से होगी इसको समझने के लिए देखते हैं एक ट्रांजेक्शन। यहाँ से हम बाहर आ गए। मान लीजिए 4 अप्रैल को हमने रमेश ट्रेडर्स को 100 किलो शक्कर बेची। अब इसकी एंट्री के लिए हमको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अब ये जो एंट्री है वो सेल्स वाउचर में होगी, तो इसके लिए F8 प्रेस करेंगे। अभी देखिए F8 प्रेस करते ही अभी तक हमने जो एंट्रीज की थी वो सारी चाहे कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो वो सब सेल्स वाउचर के अंतर्गत होती थी। पर अब हमने इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के वाउचर्स बना लिए हैं, इसलिए जब हम F8 प्रेस करेंगे तो ये वाउचर टाइप पूछेगा। यहाँ पर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ये दोनों वाउचर्स अभी हमने बनाए थे। अब हमने जो माल बेचा है वो उधार बेचा है तो वो जाएगा क्रेडिट सेल्स में, इसको हम चुन लेंगे। अब पहले हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। यह हमने 4 अप्रैल ले लिया और अब यहाँ पर डाल देंगे डिलीवरी चालान नंबर।
आगे आएंगे पार्टीज अकाउंट नेम, इसमें आ जाएगा रमेश ट्रेडर्स। यहाँ पर जो भी डिस्पैच डिटेल्स और सारी डिटेल आपको देनी हो वो यहाँ आप दे दें और फिर एक्सेप्ट कर लें। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा, नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा शुगर 100 kg 35 रुपये के भाव से। और अब हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हमने क्रेडिट सेल्स वाउचर में एंट्री की, और अब अगर हमको देखना है कि भाई इसका जो बिल है उस पर टाइटल क्या आएगा, वहां पर क्रेडिट मेमो आएगा या नहीं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड पर पेजअप की प्रेस करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा बिल है जो हमने अभी एंट्री की वो हमको नजर आ गई। अब इसको हमको देखना है कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखेगा। प्रिंट पर जाएंगे, इसको यस करेंगे। अब जूम करके हम इसको देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर पहले ये इनवॉइस हमको नजर आया था, पर अब यहाँ पर आ गया है क्रेडिट मेमो। यहाँ से अब हम बाहर आ जाते हैं स्किप की दबाते हुए। इसी तरह से कैश सेल्स वाउचर में एंट्री के लिए हम एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। मान लीजिए 5 अप्रैल को हमने मनीष ट्रेडर्स को 100 किलो चावल हमने नगद बेचा। अब इसकी एंट्री के लिए हमको पहले एफएट हम प्रेस करेंगे, क्योंकि हमको ये करनी होगी कैश सेल्स वाउचर में। एफएट प्रेस करेंगे, वाउचर टाइप ही हमारे सामने आ गया, इसमें से चुन लेंगे कैश सेल्स। कैश सेल्स आ गया है, अब पहले हम डेट चेंज कर देंगे, 5 अप्रैल ही आ गई, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डिलीवरी चालान नंबर हमने डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम में चूंकि हमने कैश में माल बेचा है इसलिए कैश आ जाएगा। अब यहाँ डिस्पैच डिटेल्स डाल दें और यहाँ पर मनीष ट्रेडर्स हम लिख देंगे, और बाकी जो डिटेल है वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और भी जो डिटेल्स आपको देनी है वो दे करके यहाँ पर और इसे एक्सेप्ट कर लें। अब सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा, नेम ऑफ आइटम में आ जाएगा राइस 100 kg 55 रुपए के हिसाब से। नरेशन अब हम यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गई कैश सेल्स वाउचर में एंट्री। अब इसका भी हमको बिल पर कैश मेमो लिखा हुआ आ रहा है या नहीं ये देखना है, तो पहले हम अपनी पिछली एंट्री पर जाने के लिए पेजअप की प्रेस करेंगे। ये हमारी एंट्री आ गई, ये बिल नज़र आ रहा है हमको। अब प्रिंट पर जा कर के प्रिंट प्रीव्यू के लिए यस करेंगे, जूम करके हम इसको देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कैश मेमो। तो इस तरह से क्रेडिट सेल और कैश सेल के बिल के ऊपर क्रेडिट मेमो और कैश मेमो लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से बाहर आने के लिए स्किप की दबाते जाएं। तो ये अभी हमने देखा कि बिल पर बाय डिफॉल्ट क्रेडिट मेमो और कैश मेमो प्रिंट करने के लिए हमने सेल्स वाउचर के अंतर्गत दो नए वाउचर बनाए, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के।